तो है गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग ऑफ एग्रोस व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हेड टू हेड एंड टेल टू टेल, जो हाउसिंग सिस्टम है काऊ का, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हेड टू हेड सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो काऊ है वो एक दूसरे के आमने सामने रखा गया है। यहाँ पर आप क्लोजली देख सकते हैं, ये जो काऊ है और ये जो काव है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने रखा गया है। इसको हेड टू हेड सिस्टम बोला जाता है, यानी कि इसका जो हेड है और इसका जो हेड है दोनों आमने सामने रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेड टू हेड सिस्टम। तो अभी हम खड़े हैं विश्व भारती जो एनिमल हस्बेंड्री फार्म है उसमें खड़े हैं। उसके बाद हम लोग आपसे बात करेंगे कि हेड टू हेड सिस्टम का जो कुछ बेनिफिट है उसमें क्या क्या दिक्कत है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बेनिफिट का बात करेंगे हेड टू हेड सिस्टम का, वो है मैनेजमेंट, यानी कि कोई भी खाना देना हो या फिर कोई भी कुछ भी ट्रीटमेंट करना हो या फिर कोई इंस्पेक्शन करना हो तो हेड टू हेड बहुत अच्छा साबित होता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि कुछ जैसे डिसएडवांटेज की बात करेंगे, वो है जैसे एक डिजीज़ होता है फूट एंड माउथ डिजीज, जो कि गाय के सलाइवा से एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। तो उसके लिए अगर एक गाय छींकता है या फिर ज़ोर से कुछ उसके मुंह से निकलता है तो एक जगह से यहाँ से वहाँ फैल सकता है। तो ये बीमारी जो है फूट एंड माउथ डिजीज फैलने का चांस रहता है। लेकिन इसमें एक बहुत बढ़िया बीमारी का मैनेजमेंट होता है, उसका नाम है मैस्टाइटिस, यानी कि जो दूध देने वाले तन होता है उसमें एक बीमारी रहता है, उसका नाम है मैस्टाइटिस। तो यहाँ पर मैस्टाइटिस का चांस बहुत कम होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा ब्रीड रखा गया है। ये सब इधर जो सब रखा गया है ये सब क्रॉस ब्रीड है, यानी कि जो जर्सी का क्रॉस ब्रीड है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्रॉस ब्रीड है, ये भी क्रॉस ब्रीड है, ये सब क्रॉस ब्रीड है। और ये सब बुल रखा गया है, यहाँ पर एक बुल है, यहाँ पर बुल है, ये वाला बुल है, ये सब जर्सी का क्रॉस ब्रीड बुल है। और इस इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब जो ब्रीड है मैक्सिमम साहीवाल ब्रीड रखा गया है। आपको पहले से दिखाते हैं कौन कौन सा ब्रीड यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वाला, तो आप जानते हैं देसी के साथ क्रॉस किया गया है गिर का, एक गिर नाम का एक ब्रीड आता है, उसके साथ देसी का क्रॉस करा के ये वाला ब्रीड बनाया गया है। उसके बाद आता है ये साहीवाल, ये भी साहीवाल, ये अगला भी साहीवाल है, ये भी साहीवाल है, और ये है आपका जर्सी। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे ये बुल है, जर्सी का बुल है ये वाला। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे वो है साहीवाल, साहीवाल, फिर ये साहीवाल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं होलस्टीन फ्रेसन, ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं आप लोग, ये है होलस्टीन फ्रेसन, ठीक है, ये हो गया होलस्टीन फ्रेसन। उसके बाद ये भी आपका सेम ही है साहीवाल, और ये भी साहीवाल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रखा गया है यहाँ पर मैनेजमेंट जो किया जा रहा है वो है आपका हेड टू हेड सिस्टम। तो आपको इस वीडियो में पता चला हेड टू हेड सिस्टम की क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग बताएंगे टेल टू टेल सिस्टम के बारे में, लेकिन जहाँ पर टेल टू टेल सिस्टम है वो जगह पे कोई काऊ नहीं रखा गया है, यानी कि काऊ का संख्या बहुत कम है यहाँ पर, इसलिए हेड टू हेड सिस्टम में ज़्यादातर काऊ को रखा गया। तो यहाँ का एडवांटेज क्या हुआ, बेसिकली एडवांटेज ये है कि मैनेजमेंट जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करना हो या फिर कोई भी मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो या फिर कोई भी विजिटर आता है तो उसके लिए यहाँ पर हेड टू हेड सिस्टम काफ़ी बेहतर है। और अब हम लोग अगला जो बात करेंगे वो टेल टू टेल सिस्टम के बारे में। तो अभी हम लोग बात करते हैं टेल टू टेल सिस्टम के बारे में। तो टेल टू टेल सिस्टम में क्या होता है, अब देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर खाना दिया जाता है और यहाँ पर गाय को रखा जाता है, और इधर देख सकते हैं आप यहाँ पर खाना दिया जाता है और यहाँ पर गाय को रखा जाता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसी तरह से इधर उसका मुँह रहता है और इधर वाला जो रो है इधर इसका मुंह रहता है। तो बेसिकली ये बीच में जो जगह खाली है वहाँ पर एक पैसेज बनता है,
तो जब कोई भी फार्म वर्कर खाना देता है तो उसको ऊपर उधर से जाना पड़ेगा और इधर वाला रो को खाना देने के लिए आपको उधर से जाना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं इसका क्या क्या एडवांटेज है। अगर एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले फूट एंड माउथ डिजीज, जो बहुत ही ख़तरनाक डिजीज है, उसका संक्रमण से यहाँ से बचा जा सकता है। यानी कि अगर उसका जो हेड है दूसरी तरफ है और इसका भी हेड उसके उल्टे तरफ है, तो यहाँ पर FMD का यानी कि फूट एंड माउथ डिजीज का जो इन्फेक्शन है उसका चांस बहुत कम हो जाता है। और इसका एक चीज़ है, थोड़ा लेबोरियस हो जाता है क्योंकि ये जो पोर्शन है खाना देने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन एक एडवांटेज और भी है, वो है आपका ये जो बीच की जगह देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पैसेज है मेरे पीछे आप देखिए, ये जो पैसेज है, इस पैसेज में जो गोबर करता है यानी कि जो भी कचरा है, जो भी उसका जो एक्सक्रीटा है उसको साफ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता। क्योंकि वर्कर अगर बीच से यहाँ से साफ करता है, साफ़ करते करते चले जाते हैं, तो एक ही बार में दोनों तरफ का चीज़ साफ़ हो जाता है। तो ये था टेल टू टेल सिस्टम की एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आज के वीडियो में हम लोग बात किए हेड टू हेड सिस्टम के बारे में, उसके एडवांटेज के बारे में, टेल टू टेल सिस्टम के बारे में, उसके एडवांटेज के बारे में। तो होप करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल यानी कि एग्रोस ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।